नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अंड परजक जंतुओं की अपेक्षा सजीव परजक जंतुओं को के जीवित रहने के अवसर अच्छे होते हैं। क्यों? जो अंड परजक जंतु होते हैं और जो सजीव परजक जंतु होते हैं, इनमें से सजीव परजक जीवित रहने के अवसर अच्छे होते हैं। क्यों? उत्तर है, अंड परजक जंतु अधिक संख्या में अंडे देते हैं। जो अंड परजक जंतु होते हैं वो अधिक संख्या में अंडे देते हैं, लेकिन उनमें सजीव परजक जंतुओं की अपेक्षा कम प्रत्यक्ष संरक्षण प्राप्त होता है। क्या होता है कि जो अंड परजक जंतु होते हैं वो अपने अंडों की कम, जो उनके प्रत्यक्ष संरक्षण अर्थात पिता उनका कम संरक्षण कर पाता है, यानी कम बचा पाते हैं, उनकी कम रक्षा कर पाते हैं। उसमें क्या लिखा गया है कि अंड परजक जंतु अधिक संख्या में अंडे देते हैं, लेकिन उनमें सजीव परजक जंतुओं की अपेक्षा कम प्रत्यक्ष संरक्षण प्राप्त होता है। और क्या होता है कि जो अंड परजक होते हैं, अंड परजक जंतु होते हैं, वो अपने अंडों की रक्षा कम कर पाते हैं, और जो सजीव परजक होते हैं, जो सजीव परजक जंतु होते हैं, भी अपने जंतुओं को भी अपने मतलब जो उनके संतान हैं उनकी अच्छे से रक्षा कर लेते हैं। तो जिसके फलस्वरूप अनेक अंडे दूसरे जंतुओं के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, और जो अंड परजक के अंडे हैं, अंड परजक जंतुओं के जो अंडे हैं, वे दूसरे जंतुओं के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। अतः सजीव परजक जंतुओं में संरक्षण के कारण जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। तो जो सजीव परजक होते हैं वे अपने संतान की अच्छे से रक्षा कर लेते हैं, इसीलिए सजीव परजक जंतुओं के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। तो हे गाइस, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।